अरे यार बेरा ना कहाँ कहाँ आ जावे। अरे अंकल कैसे करके मानोगे? बेटा मेरा स्कूटर खराब हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब हटो मैं देखता हूँ। देखो बेटा तुम्हें। हाँ मम्मी 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस घर। एक अंकल का स्कूटर खराब हो गया था रोड के बीच में, जाम लगवा रखा है बेफालतू का, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। वैसे अंकल एक बात बताऊं, इतना पुराना मॉडल पहली बार देख रहा हूं मैं। पुराना मॉडल? अरे बेटा 30 साल पहले तो मुझे दहेज में मिला था। स्कूटर की बात ना कर रहा मैं। क्या मतलब? कुछ ना। अरे बेटा जल्दी कर दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? शमशान घाट। 1 घंटे से इस मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू बोलना तो दूर, जल्दबाजी और कर रहा है। पहली बात तो तू इस जिंदा लाश ने लेकर घर से लेकर क्यों? और चल आया भी है तो इसे रोड के बीच में खड़े करके ठीक करेगा, साइड में ना लगा सके। मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, बकवाद और कर रहा है। देख लूंगा तेरे को एक दिन। एक दिन ना, अभी देख ले जो देखना है। कब्र में पैर लटके पड़े हैं, क्या पता कल हो ना हो। आया चल के बुड्ढा। भाई मैं सोच रहा हूँ अब की बार जमीन का पैसा आते ही चांद पे एक फार्म हाउस खरीद लूँ, अपने वहीं रहेंगे और वहीं खेती करेंगे। यार धरती पे तो पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। नहीं यह बात तो ठीक है भाई। तू भाई चांद का प्रोग्राम कैंसिल, परी तो धरती पर घूम रही है। आजी हाँ शकल तेने देखी ना, तेने बेरा चल गई परी है, हमारी जान ने हो रहा जादूगर गति। भाई लड़कियों का आँख होते ही पता चल जावे यार, पता ना कितना टैलेंटेड हूँ मैं। भाई इसकी शकल दिखा लाओ यार, अगर इसकी शकल ना देखी ना मैंने रात ने नींद भी ना आएगी और पेट में गैस बन जाएगी वो अलग। भाई इसकी शकल दिखा लाओ। चल 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 हमें। हे भगवान एक बार इसकी शक्ल दिखा दो प्लीज। भाई सुनो यार, उसी रोड पर चल रहा है जहाँ वो लड़की मिली थी। अरे पागल हो रहा है, चोरी के चक्कर में हमने गांव मंडवा हुआ यार। तो भाई उसे ढूंढूंगा कैसे फिर? ना उसका नाम पता मेरे को, ना उसका एड्रेस, ऐसा कैसे मिलेगी? तो भाई इसमें टेंशन को ले रहा है, हैपन ऐप है तो सही। हैपन ऐप? लवड़ा फोन दिखा। देख हैपन एक ऐसी ऐप है जिसमें जो लड़की तेरे को क्रॉस करके जाती है ना, तुमसे बात भी कर सकता है और उन्हें अप्रोच भी कर सकता है। बड़ी सही ऐप है यार ये तो, दिखा उसको ढूंढता हूँ। मिल गई भाई। Woo!
अच्छा सुन, हाँ? एक बात बता, तेरे घर वाले ओपन माइंडेड तो है ना? कल को हमारी शादी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे बहुत ओपन माइंडेड है, और मेरी बड़ी बहन की शादी भी तो लव मैरिज हुई है। एक काम करती हूँ ना, मैं तुम्हें संडे को मिलवाती हूँ ना पापा से। चल ठीक है फिर, संडे को मिलते हैं तेरे पापा से। अब तू निकल, मैं भी चलता हूँ। सुनो, पापा आते होंगे, उनके सामने ना थोड़ा प्यार से पोलाइटली बात करना, ठीक है? अबे यार तो दिक्कत मत ले, आन दे तेरे पापा ने, मैं अपने आप बात कर लूंगा। यही, ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है? प्यार से बात करना प्लीज। ओहो, क्यों टेंशन ले रही है? ये बुड्ढा यहाँ कहाँ से आ गया? लो आ गए पापा। बेटा मनीष, आज तू आया। पापा ये मनीष, मनीष ये पापा है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते तो ठीक है बेटा, पर अपना चेहरा तो दिखाओ मुझे। अरे मनीष, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? पलटो ना। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। अरे बेटा इतना भी क्या शर्माना, चेहरा दिखाओ मुझे अपना। वो अंकल जी क्या है ना कि आज मेरा व्रत है, तो मेरे को पंडित जी ने बोला अगर मैंने किसी भी बुजुर्ग आदमी को देख लिया ना तो उसे दस्त लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, बाद में देख लेंगे चेहरा, कोई नहीं। पलटो मनीष प्लीज, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दस्त लग जाएंगे, पागल हो गए तुम? प्लीज पलटो। रहने दे यार, ऐसे रहने दे, माना कर। ऐसी पागलों वाली बातों पे तुम विश्वास करते हो? पलटो। रहने दे। अरे बात नहीं करनी क्या पापा से? मान जा। पलटो यार प्लीज। पक्का? हाँ। ले तो फिर। तू? देख लूंगा तेरे को एक दिन। एक दिन ना, अभी देख ले जो देखना है। कबर में पैर लटके पड़े हैं, क्या पता कल हो ना हो। आया चल के बुड्ढा। पापा आप जानते हो मनीष को? मैं तो इसे अच्छे से जानता हूँ, पर तू इसे नहीं जानती। एक नंबर का बदतमीज इंसान है। तू इससे मिलवाने लाई थी मुझे यहाँ पर? सॉरी अंकल जी, मुझे पता नहीं था कि आप इसके पापा हो, गलती हो गई। गलती? मैंने कहा था ना तुझसे बदला लूंगा एक दिन। तुझसे शादी कराने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को घर पे कुंवारा बिठाए रखूं हमेशा। अगर ऐसे हाथ पाथ धर के बैठा रहा ना तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। और भाई कुछ भी कहो, उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, उसके बिना नहीं रह सकता यार। मैं जा रहा हूँ उसके घर बात करने। अरे भाई तुझे पता नहीं है क्या उसका भाई कितना बड़ा बदमाश है? अरे यार पटियाला, ये अपने आप पिटा गया, हमने और पिटवा होगा। भाई अब तो चाहे कुछ भी हो, एक बार तो बात करके जाऊंगा। तू यहाँ? मनीष मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती लंदन भेजे थे तुमसे अलग करने के लिए, इसलिए मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गई हूँ। चलो कहीं भाग चलते हैं। चल चल। पापा, पापा, वो दीदी घर छोड़ के भाग गई। मुझे पता है वो उसी के साथ भागी है। आज या तो वो लड़का रहेगा या फिर हम। चलो। अंकल ये संभालो अपनी लड़की। मनीष मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई थी और तुम मुझे यहाँ पे वापसी लेकर आए, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। प्यार मैं तुझे कल भी करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करते रहूंगा, लेकिन शादी घर वालों की मर्जी से की जाती है। अगर भाग कर ही शादी करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। आज मैं तेरे घर ही आने वाला था ताकि तेरे पापा से सॉरी बोल सकूं, क्या पता उन्हें मेरा प्यार दिखी जाए, लेकिन तूने मुझे उस लायक भी नहीं छोड़ा। माफ करना अंकल, आज के बाद आपके सामने नहीं आऊंगा। रुको, तुम्हारा इस तरह हमारे घर में आना, मेरी बेटी के भाग जाने का ये पागलपन, इससे एक बात तो साबित होती है कि तुम और मेरी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो
और दुनिया का हर बाप यह चाहता है कि उसकी बेटी चाहे दुनिया में जहां भी रहे लेकिन वो खुश रहे। मेरी बेटी की खुशी अगर तुम्हारे साथ है तो आज इसका हाथ मैं तुम्हारे हाथों में देता हूँ।